भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन कब्रिस्तान और शमशान कमेटियों को कोई राशि नहीं दे रही। पूर्व कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये निर्धारित किए थे। मसूद ने कहा कि अगर शिवराज सरकार राशि नहीं देगी तो अंतिम संस्कार का खर्चा कांग्रेस उठाएगी। मसूद ने बीजेपी के चाइना विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में आज भी चीन से निर्मित पीपीई किट का वितरण हो रहा है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। व्यक्तियों ने करा, मुझे बराबर संभाग आयुक्त कविंद कहवत कहते रहे कि आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर मीडिया के सामने, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये बात हम कोई पॉलिटिकल इशू बनाएं या इस बात को हम जनता के बीच में लाएं, हम आपके माध्यम से आज मजबूर होकर इस बात को सरेआम कर रहे हैं। और रेहान मियाँ बैठे हैं, अभी शमशान समिति के भी लोग आने वाले हैं, और मैंने एक पत्र आज दुखी मन से चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, और मैं केवल इतना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर ये जवाब अधिकारी तो दे नहीं पा रहे, अब आपके माध्यम से मिलता है कि सरकार ये तय कर दे और ये कह दे कि हाँ हमने उस टाइम झूठ बोला था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब्रिस्तान कमेटी को भी बोला और शमशान कमेटी को भी बोला है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनका एहसान मेरे और मेरी भोपाल की जनता के ऊपर सदैव रहेगा, और जो उनके पैसे का वादा तय किया था वो हम लोग अपने पास से पे करेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन एक बार सरकार ये स्वीकार करे कि हाँ हमने झूठ बोला था या हमारे अधिकारियों ने झूठ बोला था और हम ये व्यय उठाने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, ये सरकार कम से कम एक जवाब तो दे, चाहे समिति को दे चाहे मुझे दे। इसी के लिए मैंने पत्र जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा है वो भी आपको दिया। आज आप लोगों को मैंने भोपाल के एक बड़े अहम इशू पे बात करने के लिए बुलाया, और मैं समझता हूँ ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है जो भोपाल के जितने बाशिंदे हैं, क्योंकि भोपाल कोरोना के अंदर जब हमारे लोग जो पीड़ित परिवार थे और वो अंतिम सांस भोपाल में उन्होंने ली, उसके बाद उनका फ्यूनरल करने के लिए सभी अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने मजहबी हिसाब से उनका क्रियाकर्म करने के लिए दिक्कत आई, तो जिला प्रशासन ने उस समय के तत्कालीन कलेक्टर तरुण पिथोरे और कल्पना श्रीवास्तव जी ने एक मीटिंग रखी, उससे मुझसे भी बात करी। शमशान, हमारी जो दो शमशान घाट हैं उन दोनों की समितियों को और कब्रिस्तान की समितियों को बुलाया, बात हुई। बात होने के बाद दो जगह चिन्हित की गई जिला प्रशासन की तरफ से, और जदा कब्रिस्तान और एक शमशान घाट हमारा तय हुआ। फिर ये तय हुआ कि इनके जो भी खर्चा होगा वो नगर निगम भोपाल उठाएगी और 5,000 रुपये इसकी राशि दी जाएगी। बात महत्वपूर्ण ये है कि 5,000 रुपये महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि उस दौरान जब कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन उस दौरान तो भय का माहौल ये था कि कोरोना का अगर एक घर में पता चल जाता था तो पूरा मोहल्ला उस घर से दूर भागने लगता था, और हमने ये भी देखा कि जो बच्चे आपस में थे उनने मिलना छोड़ दिया था कोरोना के डर से। ऐसे समय में ऐसी जो अहम काम करने वाले लोग जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भोपाल की सेवा करी, उन कब्रों को दफन कराया, शमशान घाट में हमारे जो साथी थे उन समितियों के लोगों ने, उन लोगों ने वहाँ वो कराया, और उसके बाद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 5,000 रुपये जो तय हुए थे वो आज तक की राशि दोनों लोगों को, ना कब्रिस्तान कमेटी को ना शमशान को आज तक नहीं दी। इससे बड़ा अफसोसनाक बात मैं नहीं समझता। मैंने लगातार भोपाल के एक मुद्दा बने इसलिए मैं अपने स्तर पर लगातार चर्चा करता रहा, कहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन मजबूर होने के बाद आज 3.5 महीने हो गए, 3.5 महीने उन गरीबों को भुगतान नहीं हुआ, तो आज मजबूर होकर आपको बोलना पड़ा। हम लोग तो लेके नहीं आए, ये JP अस्पताल से मिल रहा है और ये हाल है इनका, तो इनकी बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये दोहरी जो नीति है ये जनता को परेशान करने वाली, उसी के लिए बहुत अफसोस के साथ आज कहना पड़ा। और मैं केवल अभी ये चाहता हूँ कि ये चीज़ तो रहे, लेकिन मैक्सिमम इस बात पे होना चाहिए कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का तय करने के बाद इस तरह का झूठ बोलना, ये कृत्य बहुत निंदनीय है। और मैं आज आपके माध्यम से उन अधिकारियों को बता रहा हूँ कि ये भोपाल है, भोपाल की जनता के साथ अगर आप ऐसा धोखा करोगे तो हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने पे मजबूर होकर सड़कों पे उतरेंगे, और हम इस तरह से दोहरी नीति से आप लोगों को काम नहीं करने देंगे। आपको जो नियम काम है, जो आपके अधिकारी तय करके गए उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।